और अपने बजाज टेम्पो को देखो गाइस, इतना मस्त वजन लोड लेके चलने में बजाज टेम्पो के। एक भाई ने बोला कि कोई सा भी मैक्सिमम टेम्पो ले लो के लोड लेके चल लेता है, लेकिन गाइस आपे वगैरह जैसे है ना अतुल की गाड़ी है वो नहीं लेके चलती है, वो इन गाड़ियों के अंदर बहुत दिक्कत देती है क्योंकि उनके टायर सही नहीं आते हैं। तो वो वीडियो दिखाऊंगा मैं क्योंकि आपे सही नहीं रहती है, कौन सी गाड़ी बेस्ट रहती है। तो अभी मेरे पास किसी दोस्तों के पास आपे है नहीं है तो इसलिए मैं उसके वो कर नहीं सकता हूँ। तो कोई दोस्त नया दोस्त की गाड़ी मिलेगी तो उनकी वीडियो जरूर मिलेगी। कोई भाई कमेंट कर देना अजमेर में कोई आपे वाला हो तो उसकी वीडियो डालूंगा गाइस, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है और बजाज टेम्पो में क्या प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस पे देखना आप, बजाज टेम्पो में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आप महिंद्रा का ले लो चाहे कोई सी टेम्पो का कंपनी का ले लो, वो लोड तो लेके चलेगा मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो ना उसके कुछ चीज़ों से मार खा जाते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर। तो आप देखना हमारी धमाकेदार वीडियो आएगी, ऐसी ऐसी आएगी क्योंकि गाइस अभी मेरे क्या घर पे भी काम चल रहा है यार, तो थोड़ा क्या घर के भी देखना पड़ता है, ये नहीं है कि धंधे धंधे में ध्यान दो, थोड़ा घर पे काम चल रहा ना तो उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। और अभी क्या बारिश का मौसम है इसलिए मैं थोड़ा माल खराब हो जाता है तो क्यों अगली पार्टी का नुकसान हो यार, मेरे भी नुकसान हो जाए, इसलिए मैं टेम्पो चला नहीं रहा हूँ। बात कुछ ऐसी है, तभी मैं घर पे रहता हूँ, अभी छोटा मोटे भाड़े लगाता हूँ क्योंकि अभी क्या बारिश से सारे रोड भी खराब हो रखे, टूट रखे और पानी क्या पता सड़कों पर क्या पता नहीं रहता ना, मालूम नहीं रहता अपन को, परमानेंट थोड़ी चलते उन रोडों पे, कोई खड्डे के अंदर टेम्पो कूद जावे मेरे भी नुकसान हो जाए और अगले के भी नुकसान हो जाए, इसलिए मैं बारिश में टेम्पो नहीं चलाता हूँ मैं। मेरे को कितने भाड़े आते हैं, अभी मेरे जयपुर वगैरह आते हैं लेकिन मैं जाता ही नहीं हूँ कहीं पर। अभी ये तो क्या हमारे पास में ही था ना, 50 किलोमीटर के लमसम था ये, तो इतना तो चलता है, इतना तो आ सकता हूँ क्योंकि अभी बारिश भी नहीं आ रही है और माल था बिल्कुल कांच का तो वो ख़राब भी नहीं होता बारिश से, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो गाइस पहाड़ियाँ देखो कितनी खूबसूरत है, देख लो मस्त व्यू आ रहा है। और अपन वापस अपने सिटी से चलना है, अभी अपने से क्या गाइस मारवाड़ी लोग हैं ना तो थोड़ा अटकना अटक जाते हैं, क्या है कि थोड़ी गाँव की भाषा आ जाती है यार, जो हमारे जो जहाँ जिनकी जो लैंग्वेज होती है ना हमेशा वो बोलते हैं ना, तो फिर क्या है कि उसमें फ़र्क देखता है। अब मेरे को इतनी हिंदी आती नहीं है लेकिन ठीक है बोल लेता हूँ, जो भी ये समझ में तो आता है, जब भी तो लोग कोई ना कोई भाइयों को समझ में आता है, अगर समझ में नहीं आता भाई तो आप मेरे को कमेंट करना तो मेरी आवाज़ को मैं बिल्कुल ठीक करूँगा, थोड़ा सपोर्ट कर देना ताकि थोड़ी क्या है कि अभी माइक वगैरह कुछ नहीं है ना मेरे पास, मेरे पास तो क्या साधारण फ़ोन है इसलिए क्या कि क्लैरिटी नहीं आती है, अभी मेरे क्या सब्सक्राइबर नहीं है ना इतने, तो अभी मैं कोई कुछ अभी मैं अपनी मेहनत से लेने हैं, तो अभी तो अपना यही फ़ोन आईफोन है तो मैं इसी को आईफोन मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अपना टेम्पो है मैं इसी को अपना सब कुछ मानता हूँ क्योंकि यही है ना मेरे को देता कमा के, ये नहीं है कि यूट्यूब में ये वो, मैं तो ऐसे डालता हूँ इसके आपको भी थोड़ी जानकारी मिल जाए कैसा होता है, क्योंकि कोई भी भाई गाड़ी ले हुए तो यार उसको जानकारी मिल जानी चाहिए ना, गाड़ी लेने से पहले क्या क्या चीज़ें होती है। तो भाई मेरी माने ना तो गाड़ी जब भी लो कि आपके पास अगर थोड़ा जेब में पैसा हो, क्योंकि गाड़ी ले तो लेना तो आसान है लेकिन इसको चलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें कुछ भी नुकसान हो जाए जैसे टायर फटे जावे, कोई भरोसा थोड़ी है टायर का, कुछ भी हो जाए नुकसान हो जाता है क्योंकि गाइस इसमें गाड़ी लाइन में यही है कि मालिक की जेब से पैसा बहुत कम बचता है, इसमें क्या है कि खर्चे बहुत आते हैं, लेकिन यही है कि अपना गुजारा कर देती है अपना, बस गाड़ियाँ भरी भी नहीं होती, उससे पहले गाड़ियों में बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत काम करना पड़ता है। अभी देख लो गोविंद भाई की गाड़ी को क्या 2 साल हुए और अभी वो उसको काम करवाना पड़ रहा है कलर वगैरह, क्योंकि फिर ये देखो गाइस यहाँ पे उधार दी जाती है इन बॉडियों को, कंपनी बॉडियों को, क्योंकि हमारे इधर कंपनी बॉडी यूज़ नहीं करते, बाकी सबके अलग अलग बॉडियाँ होती है लेकिन हमारी तो बॉडी ये देखो गाइस ऐसी बॉडियाँ होती है हमारे, तो ये देखो ये अंडा बॉडी है गाइस और ये कंपनी बॉडियों को तो उतार ही देते हैं, और यहाँ से तो गाइस बहुत दूर दूर से पिकअप बनवाते हैं, ये बॉडियाँ लेने आते हैं, ये मजबूत बॉडी होती है इसमें, फेमस बॉडी होती है। अभी ये हाईवे जा रहा है, ये जाएगा सीधा जयपुर रोड पे और अपन जाएंगे गाइस सिटी से नहीं गाइस, मैं वापस इसी हाईवे पे मिल जाऊंगा लेकिन ये पुष्कर सिटी में लेके जाएगा। इधर क्या गाइस मेरा टेम्पो का थोड़ा सामान लेना है, जैसे कि पार्ट्स वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, थोड़ा मॉडिफिकेशन का जैसे पल्लर लगवाना पीछे, अभी दिखाऊंगा क्या लगवाना है वो लेना है मेरे को, तो देखता हूँ मिलते नहीं मिलते, दुकान पर चलते हैं पता करते हैं। तो यार मैं गाइस तिलोरा साइड से, ये देखो अगर पुष्कर सिटी के अंदर जाना है ना आपको तो इधर से आ जाओ, तिलोरा से जो नीचे रास्ता जा रहा है ना सीधा हाथ पे, तो वो उसी रास्ते के अंदर चले जाओ। तो अभी भाई पहुंच गया हूँ तिलोरा, ये देख लो कितना होगा।
दिक्कत होगा होता है यहाँ पे काम एक्सीडेंट। तो अभी भाई मैं पहुँच गया हूँ पुष्कर फाटक के पास। तो मैं सिटी के अंदर क्या है, मैंने तो ये लिए दो, अभी बताऊँगा गाइस आगे थोड़ा रुक के। तो पल्लट लिए गाइस, ये क्या पीछे कीचड़ जाता ना तो टंकी वगैरह पर वो लगती है, तो वो दो ले लिए। और ये यहाँ पे होता है मिस्त्री टेम्पो का काम, यहीं आता हूँ गाइस मैं सर्विस कराने बाबा रामदेव वर्कशॉप पे। तो अभी क्या है कि आज पड़ रही है थोड़ी धूप तेज, और ये देखो पुष्कर सब्जी मंडी पहुँच गया भाई। और यहाँ से अपने को तो घर की तरफ ही जाना है मेरे को, तो फिर मैं रुकूँगा नहीं। मैं तो ऐसे आया था कुछ सामान लेना था, तो दोस्त की गाड़ियाँ काम हो रहा था तो वहाँ रुक गया था, वो उधर देखने गया था तो वो तो था ही नहीं यहाँ पे, क्या पता होगा नहीं होगा। सब चल रहा सावन का महीना, तो यहाँ आते गए इस कावड़ लेने, हमारे तो पुष्कर से ले जाते अजमेर जिला के अंदर। ये देखो ये इनके हाथों में कावड़, ये देखो रात को तो तगड़ा माहौल होता है, तो रात को भी आएंगे देखना। एक दिन आऊँगा गाइस हम भी हमारे गांव की तरफ से कावड़ लेके आएंगे ना, तो उनके साथ आएंगे, सहयोग के साथ आएंगे और अपना टेम्पो भी लेके आएंगे। होगा जरूरत होगी टेम्पो की तो जरूर लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं बस स्टैंड से निकल गया हूँ और अभी आगे मिलते गाइस, क्योंकि टावर काफ़ी है ना तो वीडियो बनाने